घर में आग लगा दिया पेट्रोल छीट करके 12-1 बजे, जिसमें 5 आदमी झुलस गया। इलाज के दौरान में 4 आदमी दम तोड़ दिया और 1 बच्चा बच गया। हो सकता है ये लड़की के साथ भी वही उसी तरह का कोई घटना घटे। और ये जो है थाना अध्यक्ष जी कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, हमको थाना प्रभारी इस तरह का है, अध्यक्ष इस तरह का है कि किसी की बात ये सुनने को तैयार नहीं होता, मनमानी करता है। मैं चाहता हूँ थाना अध्यक्ष से कि जब आपने उस जब आपके कब्जे में था आपने उसको रखा नहीं, उसको आपने आजाद कर दिया, उसके बाद रात में जाके खोजते हैं, ये कहां चलेगा? हम तो ये कहेंगे कि अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो इसको यहां से जो है कि मुअत्तल किया जाए, बर्खास्त किया जाए। वैसे साहब मैं निवेदन करूंगा आपसे इस पर जो है कार्रवाई करें और पिछले जो घटना घटी है उस संबंध में भी आप जानकारी लें। तो दिनांक 10 या 11 तारीख को मौलाना अलीमुद्दीन बरहट, जो उनका घर मस्जिद चौक जामे मस्जिद चौक से बच्चे पूरब है, उन्होंने बुलाया कि भाई मेरे यहाँ आइए, बहुत ज़रूरी काम है। हम लोग जो है कि उनके पास गए, गांव के भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें हमारे पूर्व मुखिया निजामुद्दीन साहब भी थे, सलाम प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी सलाम साहब थे और नसीर साहब थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे। उन्होंने बताया, मौलाना अलीमुद्दीन ने बताया कि हमारी एक बेटी जिसका नाम हबीबा नाम है और उसकी शादी पहले मैं पेचेली गांव में कराया था और वहां से 2 औलाद है, उनका शौहर जब इंतकाल कर गया तो मैं उसको अपने जो है कि अपने यहां लेते आया, यानी मायके में लेते आया अपने यहां, उनको मैं रख रहा हूं क्योंकि हमारी हमको बीवी भी नहीं है और वो हमारे यहाँ रह रही थी, मेरा छोटा 2 लड़का था उसके साथ भाई बहन मिल करके रह रहा था। इस बीच में चूँकि मैं मजदूर क्लास आदमी था, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत थी, मैं बाहर चला गया। अचानक दिनांक 17 अगस्त को जो है कि मुझे फोन से मालूम हुई कि हमारे घर में कोई लड़का जो है कि आके घुस गया, जो फरसाडांगी का रहने वाला था और जिसका नाम है जुल हसनैन, और वो लड़का उनके घर में आ गया। पूरे गांव के लोग जो है कि जगे, जग करके उनको लड़का लड़की को दोनों को किया तो दोनों ने इकरार किया कि हम लोग शादी करेंगे, और दोनों को जो है कि जब शादी की बात सुना गया तो उनके गार्जियन को लड़का वाले को भी खबर किया गया और लड़की के बाप से भी बातचीत किया गया। तो वहाँ गाँव का लोगों को जो है कि ये इस तरह का ये लगा कि जब दोनों तैयार है क्यों नहीं शादी करा दिया जाए। फरसादांगी जो लड़का अलीम नाम है लड़का का बाप का नाम, वो लोग भी आए हुए थे 10-12 आदमी और उनके रहते हुए इस लड़का और लड़की की शादी करा दी गई। शादी करा देने के बाद लड़का यहीं रह रहा है और वो उस दिन जो बुलाया हम लोगों को 10 या 11 तारीख को अलीम साहब, कहना हुआ कि वो लड़का जब से शादी करके है यहाँ हमको हर तरह से परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, पैसा मांगता है, दारू पी के आता है, मारा पीटी करता है, यानी वो घर में बदगुनवानी फैला दिया है। और वो ये भी कहता है कि या तो हम अपनी जान दे देंगे या तो जो जिससे शादी हुई है या उनकी जान ले लेंगे, इस तरह का हरकत है। तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को मशवरा दीजिए। तो हम लोगों ने मशवरा दिया कि अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, चूँकि आपने दान दहेज कुछ नहीं दिया है, तो उस हालत में बेहतर यह है कि आप उसको जो है कि कोई नशा मुक्त सेंटर में उनका भर्ती करा दें ताकि वो जो है कि लड़का ठीक हो जाए। बोला कि नहीं, 1.5-2 साल से उनका बाप परेशान है, कहीं वो ठीक नहीं होगा, इसलिए जो है कि कोई दूसरा उपाय बता। तो हम लोगों ने ये कहा कि अच्छा बेहतर ये होगा कि पुलिस के हवाले कर दीजिएगा, आप अपने यहाँ रखिएगा, कहीं अपने ही मर गया या आपकी आपकी बेटी को मार दिया तो उस हालत में बेहतर ये होगा कि एक आवेदन बना के दीजिए और पुलिस के यहाँ डाल दीजिए। मैं भी पुलिस को फोन किया, थाना अध्यक्ष को, और वो लड़की को लड़का को ला करके जाएगी थाना में हाजिर कर दिया गया। 5-6 दिन रखा पुलिस ने। इस बीच में हमसे भी बातचीत हुई कि उनके जो है परिवार के लोग लड़के का है उनको बुलाइए, गार्जियन लोगों को, वो गार्जियन लोग अगर आवेगा लड़का लड़की को दोनों को विदा कर दिए ताकि लेके चला जाए, इनका भी सर का जो है कि सर का मैल साफ हो जाए। तो ये सब कहने के बावजूद भी और हम लोग थाना अध्यक्ष को भी बराबर कहते रहे कि इसी तरह जो है कि मंगा के उसको जो है भिजवा दीजिए, नहीं जब हुआ तो लास्ट में ये बात आई कि अब हम क्या करें, लड़का वाला कोई आ नहीं रहा है। हमका नहीं आ रहा तो इनको जो है कि भेज दिए जेल, कुछ दिन रहेगा तो ठंडा भी होगा, लेकिन वो जो है कि नहीं किया।
इस बीच में परसों जो है जानकारी मिली उस लड़के को छोड़ दिया बिना किसी का जो है कि ये मुचलका लिए हुए या जमानत दिए हुए उनको छोड़ दिया और उसको छोड़ दिया। और जानकारी ये मिली है कि वो लड़का अगल बगल में घूम रहा है, रात में भी लड़की वाले के पास गया था। और ये भी लड़की वाले से जानकारी मिली कि रात में 10-20 पुलिस गई थी गांव में जाके उस लड़के को खोजने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ थाना अध्यक्ष से कि जब आपके कब्जे में था आपने उसको रखा नहीं, उसको आपने आजाद कर दिया, उसके बाद रात में जाके खोजते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या लड़की पक्ष आवेदन दिया था थाना में? दिया था, उसका बाप दिया था और बार बार जो है बदल बदल करके उससे आवेदन लिया गया। मैं इसलिए बुलाया हूँ कि आपको पता होगा सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, सारे लोगों को जानकारी है कि आज से साल भर पहले 167 केस नंबर 2021 एक अग्निकांड हुआ था बरहट में। उसका मामला यह है कि मोहम्मद इरशाद नाम से आदमी था जिसके जो लड़की का बाप था वो अपनी बेटी का शादी फरसारंगी गांव में कराया था। वो लड़का कुछ दिनों के बाद शादी के बाद तलाक दे देता है और वो लड़की मायके आ जाती है। मायके में जब रहने लगी तो वो लड़का इनके यहाँ दौड़ भाग करने लगा कि लड़की से हमको मिलने के लिए दिया जाए। इस तरह का बहुत प्रयास किया लेकिन लड़की वाला उसको मिलने के लिए नहीं दिया, जिसके चलते लड़की वाले को कई एक दिन मारपीट भी किया। लास्ट में ये हुआ कि लड़की वाला डर डरा करके लड़की को बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। इस बीच में वो लड़का फिर आके मारपीट करता है। वो मेरे पास आया, वो इरशाद आके बोला कि मास्टर साहब हमारा कोई जो है कि इंसाफ हमारे लिए है कि नहीं है। पूछा हम लोगों ने तो वो बताया कि इस तरह का वो लड़का आकर के हरकत करता है और जो है कि हम लोगों मारा पीटी करता है। तो हम कहा कि जाइए आप थाना अध्यक्ष के पास। वो थाना अध्यक्ष के पास गया और थाना अध्यक्ष से अपनी दुखड़ा सुनाया। थाना अध्यक्ष कहा कि आप लिखित ला के दीजिए। दूसरे दिन वो लिखित भी ले आकर के दिया। उसके बाद मैं भी उनको फोन किया कि भाई उस तरह का आकर के डरा धमका कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, उसको लाके हाजिर बंद कीजिए। लेकिन उसको बंद नहीं किया और उसको छोड़ दिया, खुला छूट दिया, देख करके भी उसको गिरफ्तार नहीं किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके घर में आग लगा दिया पेट्रोल छींक करके 12-1 बजे, जिसमें 5 आदमी झुलस गया। इलाज के दौरान में 4 आदमी दम तोड़ दिया और 1 बच्चा बच गया। तो मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया हूँ आज, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप गवाह रहिए। नहीं तो आज जो घटना अभी जो चल रहा है, जिसका ये लड़की का मामला में हो सकता है ये लड़की के साथ भी वही उसी तरह का कोई घटना घटे और ये जो है थाना अध्यक्ष जी कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए सारे लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं, आप मीडिया कर्मी को भी जानकारी दे रहे हैं कि ताकि आप जान लीजिए कल अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो वह सारा दोषी जो है कि थाना अध्यक्ष होगा। चूँकि इन्होंने लापरवाही बरता है, पिछले भी बरता था और इस दिन भी बरता। उस दिन जो घटना घटी थी पहले 167 वाला, मैं उस दिन सारे लोगों को जाहिर प्रेस रिपोर्टरों को मैं ये बात कहा था कि इनके निगलिजेंसी के वजह से, नकारापनी की वजह से जो है कि ये घटना घटी है। और मैं इसीलिए आज बोला के ये कह रहा हूँ कि फिर दोबारा घटना घट सकती, पुनरावृत्ति हो सकता है, रिपीट हो सकता है इस मामले का, इसलिए आप लोगों को मैंने कहा। दूसरी तरफ मैं अररिया एसपी महोदय से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब से ये थाना अध्यक्ष आया है आपके पास बहुत सारे लोगों ने शिकायत लेके गया लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जितने जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं और आपसे अनुरोध करते हैं इस मामले को देखा जाए और इसको जो है कि हर तरह से अच्छा बनाया जाए। और यहाँ इस थाने का जो है यह है, जब तक नजराना और मामूल पेश नहीं किया जाता है तो एक आवेदन नहीं लिया जाता है, ना जांच होती है, ना FIR होता है। तो इस तरह का आपका थाना कार्रवाई नहीं होने का मेन कारण क्या है? हम तो यही समझ रहे हैं मेन कारण यह है कि शायद प्रशासन के लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो। जब जानकारी लोग देता है, यहाँ की जनता जाके आपको आवेदन देती है, हमारे श्यामलाल भाई है ये भी जाकर एसपी साहब को आवेदन दिए हैं और इनकी हरकतों से उनको जाके अवगत कराया है लेकिन आज तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा एसपी साहब भी नहीं चाहते हैं कि इस दरोगा पर जो है थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कब तक चलेगा ये मामला, कब तक चलेगा ये मामला तो पुलिस बता देगी कब तक चलेगा। हम तो ये कहेंगे
कि अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो इसको यहाँ से जो है कि मुअत्तल किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ताकि कोई दूसरा अच्छा आवे। आज से नहीं, बहुत दिनों से ये थाना है, और जितने भी लोग आए यहाँ, सज्जन आए, अच्छे आए और लोगों की बात को सुना, लेकिन ये थाना प्रभारी इस तरह का है, अध्यक्ष इस तरह का है कि किसी की बात ये सुनने को तैयार नहीं होता, मनमानी करता है और जैसा जो हुआ मनमो वैसा करता है। इसलिए इस मनमानी को रोका जाए, अगर जिला को अच्छा बनाना है और खास करके पलासी का व्यवस्था को अच्छा रखना है, तो एस पी साहब मैं निवेदन करूंगा आपसे इस पर जो है कार्रवाई करें, और पिछले जो घटना घटी है उस संबंध में ही आप जानकारी लें, नहीं तो ये जानकारी इसीलिए मैं दिया कि ताकि ये भागे नहीं, आप लोग मेरा गवाह रहे कि ताकि ये नहीं कहेगा हमको जानकारी नहीं। अगर कार्रवाई ना हो तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग सोचेंगे, सब लोग मिला करके पूरे इलाके का लोग धरना वरना देंगे, हम लोग जो हमारा मौलिक अधिकार है होगी जी, उसके लिए तैयारी होगी और हम लोग करेंगे।